नमस्कार गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने सेशन में सिलेबस जो हमने इंडियन पॉलिटी का जो सभी एग्ज़ाम्स को कवर करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, और उसके बारे में आप लोग पूरा भरोसा रखिए हम उसको बहुत ही इन डेप्थ करने वाले हैं। तो हम लोगों ने प्रीएम्बल से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक में। इससे पहले शुरुआत करें, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस जिस को ये वीडियो लगता है कि ये फ़ायदेमंद है या उसको देख के ये बेनिफिट हो रहा है, वो कृपया करके इसे और लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है, ताकि प्रॉपर लोग इसको फ्री में इसका एनालिसिस कर सके, फ्री में इसको पढ़ सके, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। जब सभी चीज़ों को एक ही जगह पर मिल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से सिलेबस में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर भी कवर करेंगे और नई चीज़ें भी कवर करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ, है ना, इसको लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जितना स्प्रेड आउट कर सकते हैं उतना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। तो प्रस्तावना के बारे में हम बोल रहे थे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को एक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान की तारीख तारीख शुड बी मस्ट बी रिमेम्बर कि आपको ये याद रखना चाहिए कि तारीख क्या चीज है। तो 26/11/1949, ठीक है। और ये जो हिंदी पंचांग होता है उसमें शुक्ल सप्तमी, ठीक है, और 2006 विक्रमी है, ठीक है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं, ठीक है। अब मेन प्रस्तावना तो पेपर में नहीं आता, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, सिविल सर्विस के इंटरव्यू में पूछा गया है कि संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है, लिखित कानूनी दस्तावेज है, ठीक है। यही इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो सकता है, दुनिया का सबसे बल्कि संविधान। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि प्रस्तावना से डायरेक्ट प्रस्तावना का सवाल कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एक सवाल जो पूछा गया था, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रस्तावना ये संविधान है क्या, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है, यही इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर है जो IAS तक के इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी बातें जो निकल के आती हैं प्रस्तावना के बारे में, वो ये कि इससे और भी क्वेश्चन जो जनरेट होते हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे प्रस्तावना की 5 विशेषताएं हैं, और वो 5 विशेषताओं में से प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य आर्थिक और सामाजिक या राजनीतिक न्याय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर और चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें तो हमारी प्रस्तावना जो है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम्स के बारे में बताता है, और वो फ्रीडम विचार का है ना, यानी कि आप अपने विचारों को बता सकते हैं। अभिव्यक्ति का है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है इंडिविजुअल की, विश्वास है, धर्म की उपासना है, धर्म के बारे में आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं या आप किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, कोई भी आपको ज़बरदस्ती या फोर्स करके आपको रिलीजन में नहीं डाल सकता, या फिर उपासना की आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो समानता की अगर हम बात करें तो हमारे इसमें 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा की बात की गई है और दूसरा अवसर की समानता के बारे में कहा गया है कि सबको समान अवसर मिलेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से, किसी भी कास्ट से, किसी भी क्रीड से बिलोंग करता हो, उसको अवसर की समानता समान मिलेगी। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसकी वजह से हम लोग रिजर्वेशन को फॉलो करते हैं, तो उसको अपवाद भी हम लोग आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे, जब आर्टिकल्स पढ़ने हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बंधुता। तो बंधुता क्या चीज़, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो बंधुता शब्द प्रस्तावना में आया हुआ है और इसका मतलब क्या, वो अगर हम देखें तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुता कहलाता है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, उसकी प्रेस्टीज को सुनिश्चित करता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है,
ठीक है, तो उसको बंधुत्व कहा जाता है। इसके अलावा और जो फैक्चुअल क्वेश्चन, ये तो बड़े एग्जाम से पूछा था टर्म्स, छोटे एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो छोटे एग्जाम्स में डेट्स वगैरह का बहुत इशू रहता है कि डेट्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि संविधान बना कब। एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, किसी भी कंट्री में या किसी भी लैंड पे अगर दो प्रकार की सरकारें अलग अलग हैं, पहली सरकार मान के चलिए भारत पहले अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था और 1947 में देश को आज़ाद होना है, तो नई सरकार के आने से पहले वहाँ पे कानून व्यवस्था का लागू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था लागू नहीं होगी तो सिस्टम आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा अच्छे तरीके से, तो ये ज़रूरी है। तो हम लोगों ने संविधान को जो तैयार किया था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था, लेकिन हम लोगों ने इसको संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ कि हमने इसको कुछ टाइम तक रोक के रखा और बाद में इसको फिर नेक्स्ट ईयर कुछ महीने तक रोक के रखा, फिर इसको नेक्स्ट ईयर हमने लागू किया इसको। इसका रीज़न ये है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो लाहौर अधिवेशन था इसमें जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे, इसमें हम लोगों ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, और इसकी वजह से ही हमने इस चीज़ को रोक के रखा। ठीक है, दूसरा कह रहा है आपका, एक और जो छोटे एग्जाम से पॉइंट पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है कि संविधान को बनने में लगा समय लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन था, जो कि नॉर्मली छोटे मोटे एग्जाम या स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में ये सवाल बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि ये आपको इन्फॉर्मेशन, ये डाटा जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन की, आपको लगभग हर कॉम्पिटेटिव बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें कि संविधान का जो निर्माण सभा था उसमें नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्तावना पर, मतलब कि प्रस्तावना रखने का पर्पस क्या था, प्रस्तावना हमारे बारे में बताता है, प्रस्तावना हमारी इंडिपेंडेंस या हमारी सोच के बारे में बताता है, तो उसी प्रस्तावना को हमने रखा था। तो ये कह रहे हैं कि जो निर्मातृ सभा थी, निर्मातृ सभा का मतलब जो उसको निर्माण कर रही थी, जो संविधान सभा उसको बना रही थी कैबिनेट, वो प्रस्तावना को अपने उद्देश्यों को बताने के लिए रखता है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और ये कई केसेस में चेंज भी होता रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कई बार अपने ज्यूरिडिक्शन को चेंज करता रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हमारी प्रस्तावना की जो चार बातें जो सीखने को मिलती हैं, तो वो ये कि हम भारत के लोग, यानी कि जनता का शक्ति का स्रोत जो है वो जनता खुद है यहाँ पे। ठीक है, और राज्य की प्रकृति जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर मिलता है, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रीजन को या किसी भी विशेष धर्म जाति वर्ग को विशेषता नहीं दी जाती, सभी को एक समान समझा जाता है। ठीक है, और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब, गणराज्य जिन राज्यों के साथ लिखता है, इस शब्द को आप लोग देख लीजिए एक बार, भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपका पासपोर्ट जब भी इशू होता है तो उस पर रिपब्लिक लिखा रहता है। ठीक है, और जितने भी और देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उन कई देशों के पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ और भी कंट्रीज़ का लिखा जाता है, जहाँ पे वहाँ का मुखिया, जिस देश का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, या तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो। तो देश का राष्ट्रपति अगर प्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है, तो जहाँ पर भी राष्ट्रपति चुन के आता है उस देश के, वो देश इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पर राष्ट्रपति चुन के नहीं आता है तो भी लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाइना। चाइना में राष्ट्रपति डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुन के नहीं आता, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, लेकिन तो भी चाइना के लोग चाइना गणराज्य ही कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य, प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो न्याय अवेलेबल कराना है, फ्रीडम अवेलेबल कराना है, सिमिलरिटी यानी कि समानता अवेलेबल कराना है, और ब्रदरहुड है ना, भाईचारे की भावना को क्रिएट करना है। कब क्रिएट करना है, जब मैंने आपको बताया था कि जब प्रस्तावना लागू हुई 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि कई ऑथर्स और कई पॉलिटिशियंस, कई राजनीतिज्ञ जो इस बारे में वो रखते हैं, मतलब कि आइडिया रखते हैं या व्यूज़ रखते हैं, वो उनके अपने अपने विचार होते हैं प्रस्तावना के रिगार्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक है एक एनन पाल की, एक व्यक्ति हैं एनन पाल की, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हमें मिलता है कि कहने वाले व्यक्ति का आपको नाम पता होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें
तो के एम मुंशी, दूसरे व्यक्ति जो है वो के एम मुंशी हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का राजनैतिक जन्म कुंडली कहा है। तीसरा, अनसर्ड बर्कर ने प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा है। ये सारे ऑथर्स के नाम, क्योंकि इनके कहने वाले स्टेटमेंट पेपर में इन्वर्टेड कोमा में लिख के आते हैं कि ये किसने कहा है, वो किसने कहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम में कि लोकतंत्र रूपी जहाज का जो स्टेयरिंग व्हील होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ऐसा मयूर ने कहा है। तो मयूर एक व्यक्ति है जो कि राजनीति का ज्ञान रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस का जिनको नॉलेज है ना, पॉलिटिकल साइंस को अब आप लोग एक अलग ही ब्रांच है स्टडी की है ना। नेक्स्ट, ठाकुरदास बहारोगा ने प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा कहा है। लेकिन ये संविधान की आत्मा दो चीज़ों के लिए कहा गया है, एक तो प्रस्तावना के लिए और एक अनुच्छेद 32 के लिए भी कहा गया है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज फॉर और फंडामेंटल राइट्स है ना। तो इसको अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया और इसको कहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये इस बात को पुष्टि करता है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकारों का आपका हनन हो तो आप इसके तहत न्यायालय में न्यायालय की शरण ले सकते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, जो हमारे पहले मूल रूप से 7 थे जिसको बाद में हमने फिर 6 कर दिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने कहा है, जबकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ये सारी स्टेटमेंट आरपीएससी के, यूपीपीसीएस के और भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम से पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें और थोड़ा सा, तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है कि नहीं है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो प्रस्तावना संविधान की एक संविधान का एक भाग है। अब एक व्यक्ति थे, एक एडवोकेट थे, बैरिस्टर, पहले लोग बैरिस्ट्री करके आते थे ना, इंग्लैंड से व्यक्ति जब जागता था पहले लोग वकालत करने के लिए इंग्लैंड जाया करते थे, और इंग्लैंड से आने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति इंग्लैंड से वकालत करके आता है उसको बैरिस्टर कहते हैं। नॉर्मली जो इंडिया में वकालत करता है उसको वकील ही कहा जाता है, लेकिन जो इंग्लैंड से आता है उसको बैरिस्टर कहा जाता है। तो एक व्यक्ति थे, एक बैरिस्टर थे, केशवानंद भारती, ठीक है। तो इनका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चला और इन्होंने बताया गया इस केस में जजमेंट ये हुई 1973 में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है, ठीक है। दूसरी बात ये कही गई, इससे पूर्व पहली बार बेड़ूवादी केस में, मतलब ये घटना बाद में हुई है, 1973 में हुई है, और 1960 में ये घटना हुई है जिसमें बेड़ूवाद केस में है ना, ये जो केस चला था आपका, ये बंगाल और भारत सरकार के बीच में चला था, बंगाल राज्य और भारत सरकार के बीच में चला था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं वो एक बोर्डेड न्यायालय होते हैं, मतलब कि अपने फैसलों को जो है वो बदल सकते हैं, बार बार चाहें जितनी बार चाहें वो जजमेंट के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। तो उन्होंने 1960 में जजमेंट दिया कि संविधान जो है वो प्रस्तावना का हिस्सा, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को पलटते हुए कहा कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु ये संशोधन सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जोड़ा जाना चाहिए जो कि नेगेटिविटी को फैलाता हो। हमने प्रस्तावना में आज तक कुल एक बार ही संशोधन किया है, जो कि 1976 में किया है, जो कि हमारा 42वां संविधान संशोधन है। प्रस्तावना में संशोधन एक ही बार हुआ है, जो कि हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधानिक संशोधन 1976 है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो हमने इसमें प्रस्तावना में इसको चेंज किया है और तीन शब्द जोड़े हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आगे की अगर हम बात करें तो बेड़ूवादी केस में जिसमें गवर्नमेंट ने मना किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, वो केस था बंगाल राज्य के बीच में और भारत सरकार के बीच में, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ये 1973 में जब हमने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना तब हमने इसको किया कि ये बात प्रूफ हो गई कि जब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो उसमें अमेंडमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। आगे की स्लाइड्स पे चलते हैं हम लोग। संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसको अभी हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा देखते हैं, संविधान का मूल ढांचा तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग कि संविधान के मूल ढांचे की अगर हम बात करें तो इसमें संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है,
संविधान, संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो इसमें संविधान की, संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता प्रायोरिटी को ज्यादा रखा गया सबसे ज्यादा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों ने संविधान को प्रायोरिटी दी है, प्लस में यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ठीक है ना, तो लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था का संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो हमने लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। गणतंत्रात्मक का मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि जहाँ का मुखिया, जिस देश का मुखिया चुन के आता है, वो देश गणतंत्रक यानी कि रिपब्लिक होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें संविधान का धर्म निरपेक्ष स्वरूप, है ना, अगर भाई संविधान का मूल स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हमारा संविधान किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, तो ये हमारे एक निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब जो किसी को बायसनेस ना हो, जो किसी में पार्शियलिटी ना करता हो, वो चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शक्तियों का पृथक्करण, हमारे संविधान का एक एम ये भी है कि हमने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों को अलग अलग, है ना, कार्यपालिका, विधायिका जिसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और न्यायपालिका को हमने अलग रखा हुआ है। आगे बात करें अगर हम संविधान की संघीय प्रकृति, हमने संविधान के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उसको हमने संघीय प्रकृति का रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि 1949 में जब ये संविधान बना, तो हमने कई सारे चीज़ों को वहाँ पे रखा, लेकिन जो चीज़ें नहीं थी, जो टेक्नोलॉजी का विकास वहाँ पे नहीं हुआ, जैसे कि उनको नहीं पता था 1949 में कि कल को मोबाइल जैसी कोई चीज़ या टेक्निक आ जाएगी, या फिर कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ आ जाएगी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई चीज़ अगर हम लिखना भूल गए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो संघ के पास होंगे, यानी कि संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो संघ के पास होंगी, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें हम कानून बनाना भूल गए हैं, यह ज़रूरत नहीं है कानून बनाने की, है ना, क्योंकि 1949 में मोबाइल नहीं होता था, मोबाइल से क्राइम भी नहीं होते थे, है ना, तो इसको हमने डिसाइड किया, उन्होंने ये लिखा कि जो हम लिखना भूल गए हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है। तो संविधान में, चूँकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए हमने संविधान का जो नेचर रखा ना, संविधान की जो प्रकृति रखी है, वो हमने संघीय रखी हुई है, ठीक है। इसमें कल्याणकारी राज्य की बनाने की बात कही गई है, यानी कि हर एक राज्य ये कोशिश करेगा कि उसके अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, है ना, और भी फैसिलिटीज मिले, और ये राज्य अपने बेस्टों की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि हर राज्य अपनी कोशिश करेगा, जैसे कि वैसे तो राज्य कोशिश करता है उसके पास आने वाले कर की वजह से, अपने इनकम टैक्स की वजह से, है ना। अब बिहार के पास अगर कम इनकम टैक्स है तो वो कम कोशिश कर रहा है, दिल्ली के पास ज़्यादा इनकम टैक्स है तो वो ज़्यादा कोशिश कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं क्योंकि इनके पास इनकम टैक्स, इनकम का पैसा है या इनकम का सोर्स है, बिहार के पास नहीं है वो, इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो हर एक राज्य कोशिश जरूर करेगा कल्याणकारी राज्य बनने का। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो न्यायिक पूर्णावलोकन के बारे में, ये भी एक बहुत ही खास विशेषता है कि हम लोग देखें कि न्यायिक पूर्णावलोकन होता क्या। तो पहली बात तो ये गाइस कि न्यायिक पूर्णावलोकन हम लोगों ने कॉपी किया है अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने न्यायिक पूर्णावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपी किया है। हमने जितने भी इन्फॉर्मेशन बाहर देशों से, है ना, जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जब हम पढ़ेंगे तो हमने क्या चीज़ कहाँ से लिए ये हम देखेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू जब हम देख रहे होंगे तो ये हमने पहली बात तो हमने अमेरिका से कॉपी किया। दूसरी चीज़ ये कि ये होता क्या जुडिशियल रिव्यू, तो ये भी एक सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है और मेंस में भी पूछा गया है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कोई न्यायालय जो है अगर न्याय दे देता है किसी व्यक्ति के ऊपर तो वो उस पर दोबारा विचार करता है, ये कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। जुडिशियल रिव्यू होता है जब कोई लोकसभा या राज्यसभा जब कोई अध्यादेश पारित कर देते हैं, जब कोई बिल या कोई विधेयक पारित कर देते हैं, तो पारित करने के बाद वो राष्ट्रपति पे जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये बिल गलत है या ये कानून गलत है तो उसमें दोबारा से विचार किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं एक बार, वर्तमान स्थिति में कृषि संशोधन बिल, है ना, फार्म एक्ट से रिलेटेड फार्म बिल, तीन फार्म बिल पास किए गए थे और अब इस पर गवर्नमेंट चाहे अगर लगता है कि वो नहीं समझा पा रही बात अपने किसानों को तो वो इस पर दोबारा से विचार कर सकते हैं, दोबारा से उसको सोच सकते हैं। तो संसद द्वारा बनाए गए किसी विधेयक पर विचार करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, ना कि किसी न्यायालय द्वारा किसी जजमेंट पर दोबारा विचार करना, क्योंकि लोग ज़्यादातर जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही समझते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुनिश्चिति भी हमारा संविधान देता है, ठीक है।
आगे संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता, नेक्स्ट आपका संसदीय शासन प्रणाली है ना, हमने अपने राज्यों में संसदीय का मतलब सिर्फ संसद नहीं, राज्यों में जितनी भी विधानसभाएं वो भी एक संसदीय प्रणाली का ही हिस्सा है। मतलब लोगों द्वारा चुने गए कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे, एक जिसे संसद या फिर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाएगा जो कि वहाँ के लिए कानून बनाएंगे। संसद का मुख्य काम कानून ही बनाना होता है या फिर पुराने कानूनों में संशोधन या उसको हटाना होता है, ये मेन काम होता है इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसदीय शासन प्रणाली है, कानून का शासन है ना, लॉ जो है वो सोवर्जीन होना चाहिए, मतलब कि लॉ जो है ना सुप्रीम होना चाहिए हमारे देश में ना, कानून सभी के लिए बराबर है। हालांकि कुछ मामलों में हमने कुछ छूटें दे रखी हैं, जैसे कि लोकसभा के अगर कोई सांसद अगर किसी क्राइम में अरेस्ट होता है तो वो बिना लोकसभा स्पीकर की परमिशन के उसको अरेस्ट डायरेक्ट नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति किसी कोई राष्ट्रपति के पद पे है और वो क्राइम में इन्वॉल्व है या उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है तब तक उसके ऊपर कोई केस जो है वो नहीं चलाया जाता है। आगे अगर हम बात करें, इसके अलावा सभी को किसी को भी कानून की वो नहीं है और इनके पर भी कानून बराबर ही चलता है। मूल अधिकारों की बात कही गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मूल अधिकार। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है और कई जितनी भी बुक्स है ना उसमें इस चीज़ को कॉलम वाइज समझाने की कोशिश की जाती है क्या होता है। लेकिन आप ये समझिए कि जीने के लिए खाना थोड़ा सा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अच्छे खाने की डिमांड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छी कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। मूल अधिकार और DPSP भी कुछ ऐसा ही है कि मूल अधिकार आपको इस देश में इंडिपेंडेंस की गारंटी देता है, मतलब बेसिक गारंटी, इतना तो आपको मिलना ही चाहिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है DPSP, कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश, तो राज्य ये सोचेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और रह गया है, मुक्त और स्वच्छ चुनाव कराया जाए, समानता का सिद्धांत हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति हो, है ना, संविधान संशोधन के बारे में क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं, वो सारी चीज़ें हों। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि संविधान संशोधन कर कैसे सकता है, तो संविधान संशोधन कर सकता है आपका तीन तरीकों से संविधान में संशोधन हो सकता है, एक साधारण बहुमत से, दूसरा आपका संशोधन हो सकता है आपका विशेष बहुमत से, और तीसरा आपका विशेष प्लस विशेष बहुमत से। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे 17th पॉइंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में और उसके मूल ढांचों के बारे में, राइट। तो इसके बारे में क्या कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल है जो मैं देखना है। एक मैं आपको आर्टिकल 32 के बारे में जस्ट बता रहा था वीडियो में कि आर्टिकल 32 जो है वो संविधानिक उपचारों का अधिकार है, है ना, जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं और ऐसा BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, तो आर्टिकल 32 जो है वो उसके बारे में बता रहा है। आर्टिकल 136 जो है वो मूल अधिकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में सीधा अपील की जा सकती है, इसकी बात हो रही है। मूल अधिकारों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये तो बात बिल्कुल सत्य है, बट मूल अधिकारों के अलावा आप कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए हमने PIL की व्यवस्था की है, जिसको जनहित याचिका कहते हैं। मान के चलिए सपोज कि आपको सरकार के खिलाफ कोई केस करना है, राइट, तो आप डायरेक्ट लड़ नहीं सकते सरकार से, इसलिए आपके बिहाफ पे न्यायालय लड़ता है, इसी को जनहित याचिका या फिर PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटर कहा जाता है। आर्टिकल 144 क्या कहता है गाइस, कि देखो किसी भी न्यायालय का ना एक ज्यूरिडिक्शन होता है, ज्यूरिडिक्शन होता है मतलब कि उसका न्याय क्षेत्र होता है। आप कभी भी जाएंगे किसी हाई कोर्ट में या किसी उसमें, तो जिले के अकॉर्डिंग न्यायालय जो बचे हुए बंधे हुए होते हैं, राइट। तो किसी भी न्यायालय का न्याय क्षेत्र होता है और क्या कह रहा था मैं, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ना, जैसे कि किसी भी हाई कोर्ट का अपने राज्य में ही कंट्रोल होता है, देश में भी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट की संख्या अभी भी 24 ही है, 25 है एक्चुअली, अभी रिसेंट में भी एक बना है तो 25 है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि पूरे देश का एक ही होता है तो इसका ज्यूरिडिक्शन पूरा देश ही होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 142 जो है ना वो आर्टिकल 141 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश देश में कैसे लागू होंगे, है ना, वो उसके बारे में करता है। नेक्स्ट 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पालन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में भी है ना। मैंने आपको कहा कि कोई भी विधेयक पहले संसद लोकसभा से पारित होता है, फिर राज्यसभा से पारित होता है, फिर उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट कराता है। ये इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम लोग आर्टिकल 142 में पढ़ेंगे। कई सारे आर्टिकल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो।
आगे अगर हम बात करें, मैं आपको बता रहा था गाइस लोकतंत्र के बारे में, है ना। तो लोकतंत्र के दो कैटेगरी होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, राइट। तो प्रत्यक्ष को भी हम लोग 3-4 हिस्सों में बांट सकते हैं, परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ था तो कई देसी रियासतें जो हैं पाकिस्तान के साथ विलय होना चाहती थी, कई हिंदुस्तान के साथ विलय होना चाहती थी, कई अपना खुद का अलग ही इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहती थी। तो जूनागढ़ के साथ भी ना, जूनागढ़ को भी ना जनमत संग्रह के थ्रू ही हमने मिलाया था। ये भी एक लोकतंत्र का रूप है, इसको रेफरेंडम बोलते हैं, जनमत संग्रह को रेफरेंडम बोला जाता है इंग्लिश में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, है ना, क्योंकि हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है अप्रत्यक्ष भी है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए लोग जो है वो संसद में जाके बैठते हैं। तो संसदीय प्रणाली भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही उदाहरण है। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जो संवितरणात्मक न्याय होता है ना, कि सभी को इक्वल जस्टिस मिले, वो दो तरीके से हो सकता है। एक कि सभी को आर्थिक न्याय भी मिले, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फाइनेंशियली, और दूसरा सभी को सामाजिक न्याय भी प्राप्त हो, तब जाके इसको हम संवितरणात्मक न्याय कह सकते हैं, जो इक्वल मिलता है सबको। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 1 की, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सीधी सी भाषा में छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये स्टेटमेंट आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखी मिलेगी, और भारत राज्यों का संघ होगा, और ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया, तो ये अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में सॉरी अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखें आप लोग, हमारे पूरे संविधान में भारत राज्यों का संघ होगा, ये तो बात ठीक है, संघ वर्ड तो यूज़ किया गया है, लेकिन कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, क्या कि संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल किया गया नहीं किया गया। तो संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल तो कहीं नहीं किया गया, लेकिन संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया कि भारत दैट इज़ इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। आगे की अगर हम बात करें तो मैंने जो दो बात आपको बताई वो ये कि भारत का नाम इसमें दो तरीके से मेंशन है, भारत और इंडिया, इसके अलावा और भी कई नाम है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही नाम मौजूद है, ठीक है। दूसरा, इसी आर्टिकल 1 में हमने अपनी टेरिटरी के बारे में भी लिखा है कि इसमें कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जिक्र है आर्टिकल। अगर हम नेक्स्ट अगर फर्दर बात करें आर्टिकल 2 के बारे में, तो आर्टिकल 2 कह रहा है गाइस कि इसमें नए राज्यों का प्रवेश कैसे हो सकता है। भाई जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें तकरीबन 14 के आसपास राज्य थे, अभी 28 राज्य हैं, है ना। तो देश जब आज़ाद हुआ और अब में काफ़ी ज़्यादा राज्यों की वृद्धि हुई है ना, सबसे पहले गुजरात अलग हुआ, फिर और बाकी राज्य भी अलग सेपरेट हुए अपने, तो एक बात बहुत साफ कह दी गई है कि चाहे इसमें कितने भी राज्यों में भी विखंडित हो जाए, ये रहेगा भारत ही, ये राज्यों का संघ ही रहेगा हमेशा, ठीक है। इसका मतलब ये निकलता, तो नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, है ना, और भारत के बाहर के राज्यों को मिलाना युद्ध के तरीके से, मान लीजिए हमने किसी पे अटैक किया, हालांकि भारत का नेचर नहीं रहा है, भारत ने कभी भी पहले किसी राज्य पे अटैक नहीं किया है ना, युद्ध की नीति हमारी नहीं रही है, ना ही हमने किसी की ज़मीन को कब्जा किया है, ठीक है। ये इंटेंशन भारत की एंशियंट टाइम से ही रही है और आगे भी रहेगी, रहती है, इसकी पॉलिसी ऐसी है, ठीक है। तो हमने अगर मान लीजिए हमने किसी कोई भूमि हमने युद्ध में जीती है, तो उसको मिलाने का क्या प्रोसीजर है, और राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में क्या प्रोसीजर कहा गया है, इसके बारे में आर्टिकल 2 में चर्चा की गई है। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 3, तो भाई भारत के राज्यों को केंद्र सरकार कैसे भी तोड़ सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि नवंबर सन 2000 में हमने यूपी को उत्तराखंड से अलग किया, बिहार को झारखंड से अलग किया, और एमपी को हमने छत्तीसगढ़ से अलग किया ना, तो हमने CUJ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड, हमने MP यूपी और बिहार से अलग किया है। तो राज्यों को तोड़ करके नए राज्यों का गठन करना भी हमने आर्टिकल 3 हमें बताता कि राज्यों को तोड़ करके, ना राज्यों को तोड़ा भी जा सकता है, तोड़ जोड़ सकते हैं, मतलब जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अभी रिसेंट में बात चल रही है कि भाई हम आगरा को अलग करेंगे, एक नया राज्य बनाएंगे, है ना, तो ये सारी बातें जोड़ भी सकते हैं बोलो। एक बात ध्यान दीजिए आप लोग कि राज्यों को जोड़ने का मुख्य पर्पज वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करना है, सरकार की जितनी सुविधाएं, जितनी स्कीम्स लोगों तक पहुँच रही हैं वो और प्रॉपर ढंग से पहुँचे हैं, इस बात को कंफर्म करने के लिए हम छोटे छोटे राज्यों में उसको ब्रेक कर रहे हैं, ताकि सुविधाएं और जितने भी अप्रोचेज हैं वो सारी सारी ठीक से पहुँचे। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए तोड़ने की, ठीक है,
अच्छा इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या आपकी, ऐसी कोई भी प्रस्ताव ऐसा जो राज्यों का ना आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग बात हो रही है यहाँ पे, कि अगर आपको नए राज्य बनाने हैं या तोड़ना है तो ये एक बड़ा मुद्दा होता है, और कोई भी बड़ा विधेयक आने से पहले संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपका हालांकि इससे कोई छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो आता है जो नए राज्यों को तोड़ने या जोड़ने से जुड़ा हुआ है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से शुरू होता है। आगे की अगर हम बात करें, वो प्रस्ताव जो है वो संबंधित राज्यों को भी पता होना चाहिए कि भाई आपको आपका दो हिस्सों में बांटा जा रहा है ना। अगर उत्तर प्रदेश को हम आगरा से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है आगरा मेरठ का, अगर हम उसे नए राज्य में गठित करते हैं तो उसको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश को हम इन्फॉर्म करेंगे ना भाई, और वही रिकमेंडेशन भेजते हैं, उसके सुझाव पर ये किया जाता है। अगला, संविधान संशोधन के प्रकार क्या क्या होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो संविधान संशोधन को मैंने आपको बताया, पहली बात कि हमने संविधान संशोधन जो लिया है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया, ये अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन लिया, अनुच्छेद 368। ठीक है, कि भारतीय संसद अगर चाहे तो किसी भी पार्ट में, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है ना। तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया, और ये मैंने आपको ना कहा था ये तीन तरीके से हो सकता है। पहला, साधारण बहुमत से, यानी कि संसद में जितने लोग मौजूद हैं वो आए, बहुमत दें और वोटिंग करके हम इसको बनाएं। दूसरा, विशेष बहुमत से, जिसमें हम लोग 51% से अधिक वोट, या कह लो 75%, दो तिहाई एक्चुअली होता है। ठीक है ना, दो तिहाई वोट अगर हम लेते हैं तो वो होता है, दो तिहाई वोट चाहिए हमें। तीसरा, अगर पूरा का पूरा संविधान ही बदलना हो, तो इसका भी प्रोविज़न संविधान निर्माणकर्ताओं ने किया है कि अगर हमें पूरा पूरा संविधान बदलना तो इसका ये प्रोसीजर है कि जो देश की संसद है उससे विशेष बहुमत, और भारत के जितने भी वर्तमान उस समय में राज्य होंगे उसके आधे राज्य इस बात की अनुमति देंगे, तब जाके ये बिल पास माना जाएगा। और इन तीन संशोधनों की प्रक्रियाओं से ये हमें ज्ञात होता है कि भारत का संविधान ना सिर्फ लचीला है बल्कि कठोर भी है। यानी हम छोटे अध्यादेशों को तो साधारण बहुमत से पास करा रहे हैं, जबकि बड़े अध्यादेशों को हम विशेष प्लस विशेष बहुमत से प्राप्त करा रहे हैं। जबकि अमेरिका का संविधान सिर्फ कठोर है, क्योंकि वहाँ पे छोटे से छोटा विधेयक भी पास कराने के लिए उनके 50 जो देश हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो लगभग 50 देशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो 50 देश जो है ना वो वहाँ पे संशोधित होना जरूरी है। तो इसी प्रकार से अमेरिका का संविधान तो रिजिड है, लेकिन भारत का संविधान जो है वो कठोर भी और लचीला भी है। आगे एक स्लाइड और बची हुई, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोगों का चैप्टर 1 शुरू हो रहा है, और इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग फिलहाल इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के बारे में जो है ना, राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड है, कि जब देश आज़ाद हो जाता है तो फिर आगे की प्रक्रियाएं क्या आ रही हैं। ठीक है, तो आगे हमने राज्यों का गठन कैसे किया, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों ने अलग अलग राज्यों की अपने अपने डिमांड की है। जैसे कि गुजरातियों ने मराठियों से अलग डिमांड की, क्योंकि पहले गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका एक ही हुआ करता था, तो गुजरातियों ने कहा कि हमें अलग राज्य दिया जाए, महाराष्ट्र को अलग राज्य दिया जाए। बिहार ने झारखंड से अलग डिमांड की, हरियाणा ने पंजाब से अलग डिमांड की, और ये डिमांड चलती रही। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट क्लास में इसको चैप्टर 1 में हम लोग शुरू करेंगे कैसे इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।